सपने छोटे हो या बड़े, वो तब तक हकीकत नहीं बनते जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करते। साथ में सपोर्ट सिस्टम का होना बेहद ज़रूरी है। वो हकीकत जब बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी कहानी जानना चाहती है, आपकी सफलता की कहानी। तो चलिए आज हमसे भी ऐसी ही कहानी शेयर करने वाले हैं प्रगतो घोष और उनकी मम्मी। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपके रिजल्ट पर। अच्छा प्रगतो, थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे में, पापा क्या करते हैं, मम्मी तो साथ में ही हैं। जी मैं तो मतलब स्मॉल टाउन लड़का ही हूँ, तो मतलब कोलकाता के सबर्वन से हूँ जी। और पापा रेलवे एम्प्लॉय थे और मम्मी होम मेकर थी, तो मम्मी तो हमारे साथ ही थी कोटा में जी, जी। और पापा आते रहते थे बीच में। ओके मैम, अब आपसे जानते हैं थोड़ा सा, प्रगतो ने आप बता ही दिया आप साथ में थी, तो आप किस तरह से बताएंगी अपने बारे में। हम तनुश्री प्रगतो की मम्मी और हम उनके साथ कोटा में ही रहती हूँ। और इन 1.5 साल में कितनी बार आप कोलकाता गए? हम 1.5 सालों में एक बार भी घर नहीं गया, क्योंकि हम दोनों जब कोटा में आए थे तब हम ये सफल लेकर मन में आए थे कि हम दोनों जब घर आएंगे तो कम करके ही आएंगे, नहीं तो नहीं घर आएंगे। इसलिए हम आए थे और एग्जाम देकर एग्जाम के बाद ही घर गया जी, बीच में नहीं गया। तो फिर कैसे मैनेज किया, मतलब 1.5 साल प्रगतो ने बताया तैयारी कर रहे थे आलम में रहकर, तो कैसे मैनेज किया पूरी फैमिली ने? पूरा फैमिली मैनेज करने में हमारे हस्बैंड और हमारे जो मम्मी है बहुत सपोर्ट किया जी। ये फैमिली की कोई सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते थे जी। ये क्या है कि पूरा उधर सब कुछ हमारे हस्बैंड ने संभाल दिया जी। इधर हम और टीचर, इधर एलन की टीचर जो है वो हमारे बहुत हेल्प किया, मदद किया, मेंटल भी बहुत मदद किया इधर, तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कब हमें कभी अकेले नहीं सोचा कोटा में, हम सोचते थे हमारे कोटा में बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं, टीचर है जो हम जब बोलेंगे हेल्प करेंगे, और ये किया, इसलिए हम ये जर्नी पूरा स्मूथली किया, नहीं तो हम नहीं कर पाते थे। आपका एक्सपीरियंस कोटा में ओवरऑल अच्छा रहा एक पूरे सिस्टम की वजह से? हाँ बहुत अच्छे है कोटा कि बोलने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम मम्मी लोग पॉजिटिव एनर्जी लेकर कुछ आएंगे, क्या कोटक में सब कुछ अच्छा है तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, ये हम खुद रियलाइज किया। क्या सब, अगर मन में हम पॉजिटिव लेकर आएंगे तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमको छू भी नहीं सकता, बहुत अच्छे है कोटा। ओके प्रगतो, 1.5 साल आपकी जर्नी जो है ओवरऑल कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा में? क्योंकि कहते हैं यहाँ का माहौल जो है मिन इंडिया भी बोला जाता है, आपके कंपटीशन के साथ में आप डेली बैठते हो, देखते हो कौन कितनी मेहनत कर रहा है, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी कैसे रही? जी मेरी जर्नी तो रोलर कोस्टर राइड ही बोलूँगा मैं, मतलब जी कि मतलब बीच में मतलब थोड़ा मतलब ये होता ही रहता है स्टूडेंट लाइफ में, तो मतलब थोड़ा मेंटल हो मतलब ये हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने सारे मतलब फ्रेंड्स इतने बढ़ रहे हैं, मेरे नंबर थोड़े मतलब थोड़े से डिप हो गए थे, तो फिर मतलब टेस्ट के दौरान आप ये बात कर रहे हैं, माइनर के दौरान तो थोड़े डिप हो गए थे जी। तो फिर मतलब फिर हमारे जो HOD सर थे, और मेरे मम्मी तो हमेशा थे ही, फिर मेरे पापा भी 1.5 महीने बाद आते थे, तो वो भी मतलब फिर रीबिल्ड कर करके मतलब फिर मैंने स्टेबल हो गया कि नहीं यार अभी मुझे तो करना है। और मतलब और इस दौरान जब भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते थे टेस्ट में या कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मम्मी के साथ साथ जो एलन में आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया था फैकल्टी के साथ में, उन्होंने कैसे आपको थोड़ा अपलिफ्ट करने में हेल्प करी और आपको कितना फ़ायदा मिला उस चीज़ से? जी वो तो मैं मतलब बोल नहीं सकता, मतलब क्योंकि मैं जब भी मतलब मम्मी भी मतलब इतना एकेडमिक लाइफ में जो होता है वो मैंने हमेशा जब भी प्रॉब्लम फेस किए तो मैंने डायरेक्ट मतलब HOD सर को फ़ोन करते थे, वो तो मतलब जब भी टाइम मिलता था वो हमेशा मतलब समुन्नत मेरे पास में ही था, तो वहाँ पे बुला लेते थे हमको, फिर मतलब 1.5 घंटे के सेशन में हम पूरा समझाते थे कि ऐसा होता है, ये मतलब जितना हार्ड पाथ होगा उतना ज़्यादा ऊपर जाओगे, तो मतलब ये समझ मतलब हो गया था मतलब 2-3 सेशन। और जो बच्चे आपको देख रहे हैं अभी डेफिनेटली नीट के लिए वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे डेली शेड्यूल को लेके, आपका क्या रहता था, कब क्लासेस होती थी, कब सेल्फ स्टडी करते थे और कब कब कैसे कैसे समय निकालते थे? जी मेरा तो इवनिंग में क्लासेस चलती थी मेरी, मतलब 2 बजे से
क्लासेस चलती थी जी। और आठ तक चलती थी, मतलब कभी कभी तो सर एक्स्ट्रा भी देते थे, 8:30 भी हो जाता था। और तो फिर मतलब मेरा तो ये फंडा था कि मतलब सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम दिया जाए जी। और मतलब हर दिन 1.5-2 घंटे तो मेरे डाउट काउंटर में निकलते थे, मतलब तो बहुत ही फ्रेंडली है सर फैकल्टीज तो। और मतलब मैं जैसे मेरे मतलब शेड्यूल हो गया था कि मतलब 1:30-2 बजे मैं सोता था और फिर मैं मतलब मम्मी को फोर्स करता था कि मुझे 6 बजे ही उठाना है क्योंकि मैं अगर सो गया 8 बजे तो फिर मतलब मेरा टाइम तो वहीं चला गया, तो मतलब फिर मैं उठता था फिर 6 बजे, तो फिर मतलब कंटिन्यूस पढ़ता था मतलब 2-3 घंटे। सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया था मैंने। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी क्लासेस के साथ साथ। आपने बात की डाउट काउंटर्स की प्रभु, तो डाउट काउंटर्स आप कितना फ्रिक्वेंटली जाते थे और उसमें को प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली आपको कितना हेल्प मिला उससे? जी मैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था, वो तो मतलब जो स्टाफ थे वहाँ पे वो तो पहचान ही गए थे मुझे। फिर मतलब मेरे बायोलॉजी में थोड़ा लैग था बॉटनी में, तो मतलब वो तो मैंने डाउट काउंटर में जा जाकर, तो मैंने मम्मी को एक बार बोला भी था कि यार मम्मी मतलब ये सर लोग 4 बजे पूछो सुबह फिर भी आंसर देते हैं, रात 1:30 बजे पूछो फिर भी आंसर देते हैं, मतलब ये लोग सोते कहाँ हैं सर जी। तो फिर मतलब और मैं मतलब हमेशा फ़ोन करो सर अगर अवेलेबल हो तो, हमेशा मैं पूछ मतलब सर को से पूछो चले जाओ, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रिपरेशन की बात करें उस दौरान आपका स्टडी मटेरियल जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट रहा, हेल्पफुल रहा आपकी स्टडी में एलन का स्टडी मटेरियल? जी वो तो मतलब बहुत मतलब मैं बोलूँगा वेल प्लान्ड एंड वेल डिज़ाइंड है वो, क्योंकि मतलब जैसे हम नॉर्मल होम टाउन में अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मतलब वो हमको गूगल से सर्च करना पड़ता है, वो सर्च इंजन से कि वो इन डेप्थ में NCERT तो एक लाइन लिख देती है लेकिन हमको पूरा डेप्थ में जाके समझना पड़ता है। तो वो मतलब मैं बोलूँगा कि एलन की वो टीम ने काफ़ी अच्छी काम की है कि वो मतलब वो उन्होंने मॉड्यूल में सारे इलेबोरेट करके लिख दिए हैं, तो वो मैं NCERT के साइड में लिख देता था और मतलब मोबाइल यूज ही नहीं होता था वो, उसने लिख दिया स्टडी मटेरियल इनफ था उसके लिए। जी, जी, जी। और स्टडी मटेरियल के साथ में एलन का एक सिस्टम है आपके लिए बनाया गया है, चाहे वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, डाउट काउंटर्स हो, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी दी भी जाती है, एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है एलन में, तो वो एलन का पूरा स्ट्रक्चर आपको प्रिपरेशन में किस तरह से हेल्प किया और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस में? जी एलन के जो सिस्टम है वो तो मैं बोलूँगा कि मतलब इतने साल की लीगेसी है वो, कि मतलब वो अभी हाँ ये वो, तो मतलब मैं बोलूँगा कि ये जो मतलब एक महीने के गैप में जो माइनर होते हैं जी, फिर मतलब वो माइनर के एनालिसिस हमारे क्लासेस में भी होती हैं सर लोग, मतलब तो मतलब ये मैं बोलूँगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये, कि अपने इनर सेल्फ को आप पहचान सकते हैं कि यार मतलब कहाँ पे डाउट गलती हो रहा था मेरा स्ट्रेटजी में, तो रेक्टिफाई करके फिर आप समय रहता है आपका काफ़ी, मतलब एक महीने बाद फिर से रीचेक जी। तो ये मतलब काफ़ी वेल प्लान्ड एंड वेल डिज़ाइंड है ये। आपने खुद को चेक करने की, एनालाइज करने की बात की, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, वो है टेस्ट्स। टाइम टू टाइम टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज भी कर सकें, परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और बेटर भी कर सकते हैं। तो वो आप टेस्ट जो कंडक्ट करवाता है एलन टाइम टू टाइम, आप उसमें पार्टिसिपेट उसको ऑप्ट करते थे और उससे कुछ हेल्प मिली? जी मैं एक मतलब मुझे तो मतलब लिटरली मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मैंने कब मिस किया था एक टेस्ट, वो हो सकता है कुछ अनअवॉर्डेबल रीजंस की वजह से होगा। तो मतलब वो माइनर हो, मेजर हो, कॉमन टेस्ट हो या फिर वो जो NCERT बेस्ड टेस्ट हो, तो मतलब हर वीक में वीकेंड में जो होता था जी। तो वो मतलब मैं तो रेगुलरली देता ही था और मतलब उसके रिजल्ट को भी मैं डीपली एनालिसिस करता था कि कहाँ पे मेरी रह गई मिस्टेक इस बार, तो मुझे वो रिपीट नहीं करना है। और वो मतलब और ये है कि एक वीक में एक महीने में फिर से टेस्ट, तो मतलब अगर वो फिर से रह जाती है तो मैं पूछता था फैकल्टी से सर ये हो गया, तो मतलब वो फिर से रेक्टिफाई, मतलब ऐसा कोशिश करता गया और वो परफेक्शन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम अब मम्मी से भी पूछना चाहेंगे, जब बच्चा तैयारी कर रहा था आप पूरे टाइम तक साथ रही, आपको पूरा टाइम बच्चे को उसकी तैयारी के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया और फैमिली से भी इस दौरान दूर रहे, जाहिर सी बात है, तो वो पूरी ये जो जर्नी है यहाँ पर बेटे के साथ एलन के साथ कोटा में, तो वो आपकी कैसी रही? और इसको अब जब सक्सेसफुल हो गया, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है, तो अभी इसको कैसे देख रही हैं आप?
क्या बोले, एक्चुअली हमारे पापा जो था वो टीचर था जी। वो 2019 में मर चुके हैं और हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारा पापा की छोटा से हमारे बेटा को लेकर सपना था कि पोते डॉक्टर बनेंगे। वो मरते वक्त भी हमको बोल के गया था कि पोता को डॉक्टर बनना है, तो इसलिए हमने सोचा कि यही करना है। तो और भी जिद हमारे उनके से आ गया कि हमारे पापा को ये डॉक्टर बनाना है, हमको बेटा को करना है। तो क्या है, हम ये किया और एलन में आने की डिसीजन भी लिया था। एलन भी आया, सब कुछ इधर का प्लान पूरा बिल्कुल अच्छे है। वो जो 21 दिन बाद बाद माइनर होता था, हम देखते थे क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखा एक बच्चे खुद समझ जाते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है इनमें, खुद खुद को तैयार करने के लिए मौका मिल जाता था। और इधर का तो फैकल्टी पूरा बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे है क्या, उन्होंने भी हर वक्त क्या है पूरा फोन से लेकर पूरा सब कुछ इतना हेल्प किया, तो हमारा जर्नी तो बहुत अच्छा गया जी। पूरा एकदम बिल्कुल, अब हमने सोचा जो इतना सोचकर नहीं आया था, हाँ सोच के आएंगे तो हमारा बेटा अच्छा है डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आज जो किया इतना अच्छा करेंगे ये हम नहीं सोचा था। पर हाँ, चलते चलते 1.5 साल चलते चलते हमारा बेटा इतना मेहनत किया था, तब हमने सोच लिया था, कभी हमारा भी एहसास हो गया था कि हाँ हो जाए, हमारा बेटा भी कोशिश करेगा तो हो जाएगा जी, ये तो बहुत अच्छे है जी। और मैम एक और चीज़ आपने बताया कि बच्चा एनालाइज कर सकता है खुद को, यहाँ पे और भी एक सिस्टम बनाया गया है कि जैसे आप साथ में रह रही थी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं साथ में, तो जब बच्चा क्लासेस जिस दिन जल्दी छूट जाता है, जल्दी चला जाता है बिना सारी क्लासेस अटेम्प्ट किए, तो उसको पंच करना होता है अपना कार्ड और उसका उसी वक्त मैसेज चला जाता है आपके पेरेंट के पास, चाहे साथ में भी रह रहे हो, तो एक मॉनिटर करने के लिए बच्चा की क्यों क्लास से निकल गया वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। हम तो बोलेंगे कि जिस जिस बच्चे को मम्मी इधर है उनको भी हर वक्त बच्चे के साथ रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये हम सोचते हैं सिर्फ बच्चे की जर्नी नहीं है, हम मम्मी पापा को भी उनको साथ रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है आज 20 लाख 21 लाख बच्चा दे रहे हैं एग्जाम, और हम सोचते हैं सभी बच्चे टॉपर हैं, सबके अंदर खुद के अंदर है, लेकिन हम अगर मम्मी पापा उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो जिंदगी में और भी आगे जाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि बच्चे लोग सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोटा जो है ना ये मिनी इंडिया है, इधर तो बेस्ट से ले बेस्ट लेकर है जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट है इधर रहते हैं, तो हम जब छोटे छोटे शहरों से आते हैं ना तब तो उधर क्या है, हमारे बच्चे सोचते हैं हम भी खुद सब कुछ है जी, जी। लेकिन जब इधर आकर वो आते हैं ना तब वो थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते कि ये लोग और भी अच्छे हैं। तब अगर हम मम्मी पापा उनके साथ रहेंगे, उनको समझाएंगे कि हाँ ठीक है तुम भी कर सकते हो, तो इनके दौरान वो और भी आगे जा सकते हैं। अच्छा प्रभु, तो मम्मी ने बात की कि जब आप कंपटीशन को अपने देखते हैं अपने आसपास, तो कई बार होता है आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है, जब आप साथ में बैठते हो क्लास में, तो आपके लिए वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, या फिर कई बार आप सहम जाते हैं कि मतलब क्या इतनी तैयारी कर पाएंगे जितने वो लोग कर रहे हैं, या क्या इनसे बेहतर हो पाएंगे, या फिर अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, या कहीं आपको थोड़ा सा लगता है कि जी, कैसे मतलब डील करते हैं आप? ऐसे मतलब दो फेजेस थे मेरे यहाँ पे, मतलब कोटा में अगर ब्रॉडली डिवाइड कर सकें तो मतलब पहले जब मैं देखता था तो मैं सोचता था कि यार मतलब कितने पढ़ के आए हैं बच्चे, तो मतलब मैं उस मन में मतलब एक ये ले लेता था कि मतलब ठीक है मैं भी कोशिश करूँगा, अभी टाइम है काफ़ी जी। तो मतलब वो तो पहले तो वो फ्यूल की तरह काम करता था कि लेकिन मतलब जब लास्ट के 6 मंथ ब्रॉडली अगर बोलें तो मतलब सेल्फ इस्टीम इतना आ जाता है कि मुझे लगता है कि नहीं यार अभी जो कर रहा है करने दो उसके, मैं अपने ट्रैक पे सही चल रहा हूँ मुझे यही फॉलो करना है, मेरे रूटीन सब सही है, हो सकता है अप डाउन कुछ हो जाए एक एक आध एग्जाम में कुछ अप डाउन हो जाए, लेकिन मतलब सेल्फ इस्टीम इतना बिल्ड हो जाता है कि नहीं मेरे अंदर वो कैलिबर है और मैं
उस दिन फायर करूंगा तो मतलब हो जाता है। तो उस इसी से रिलेटेड अगला सवाल, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या थी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर थ्रू आउट द ईयर, जब तक भी आपने 8 साल तक प्रिपरेशन किया, हर एक सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया था टाइम के अकॉर्डिंग? जी मतलब बायो का तो सभी जानते हैं कि बायो का 50% स्कोर रहता है और फिर वो टाई ब्रेकर में भी वो टॉप प्रायोरिटी पे आता है जी। तो मतलब मैंने तो सोच लिया था कि बायो को तो हर दिन मेरे टोटल सेल्फ स्टडी के टाइम को मैं हाफ मुझे तो बायो को डेडिकेट करना ही है कुछ भी हो जाए। और बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी और बाकी टाइम में तो मतलब वो फिक्स था मेरा, लेकिन बाकी कुछ फिक्स नहीं था मतलब प्लान में कि मतलब अगर कुछ फिजिक्स का मतलब क्लास में समझ नहीं आता तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मतलब इतने सारे मुझे अगर समझ में आ गए हैं तो ये भी ज़रूर समझ में आएगा, तो मैं घर आके मतलब पूरा 6-7 घंटे लगा रहता था कि उसमें एक बार एलन के मॉड्यूल को 3-4 बार मतलब स्क्रूटनी कर लेता था। फिर मैं मतलब नेट के रेफरेंसेस भी लेता था, फिर अपने एनसीईआरटी भी है तो मतलब वो वेरिएबल था कि किस दिन किसको ज़्यादा देना है, लेकिन बायो को तो मैं बोलूँगा कि हमेशा फिक्स एटलीस्ट 6 से 7 आवर्स तो बायो को देना ही है अपने को कुछ भी हो जाए। और फिर तो मतलब फिजिक्स की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, वो हर दिन जैसे एक टारगेट लेके कि 50 क्वेश्चन करना ही है अपन को, 100 क्वेश्चन करना है, वो अपन मतलब खुद के अकॉर्डिंग वो हो जाता है। और फिर केमिस्ट्री मतलब ब्रॉडली ये होना चाहिए कि केमिस्ट्री खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी और बायो की एनसीईआरटी तो हर दिन खोलनी ही है, तो मतलब केमिस्ट्री की मिस भी हो जाए तो बायो की तो खोलनी ही है कुछ भी करके। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, ये तो हुई नीट की एग्ज़ाम की बात, प्रिपरेशन की बात। मम्मी ने बताया कि आप पहले से ही काफ़ी स्टूडियस रहे हैं, तो ये बताइए कोई और भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिए या उसके लिए तैयारी की थी? जी मैं एलन में 10th से था, तो मतलब मैंने पहले एनटीएससी का वर्कशॉप किया था, तो उसमें मैंने स्टेट में 6th आया था, मैं स्टेज 1 जो होता है एनटीएससी का। ओके, और फिर एनटीएससी स्टेज 2 स्कॉलर भी था। ओके, और फिर मतलब उससे एलन से मुझे काफ़ी लगाव हो गया कि नहीं सिस्टम तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो ज्वाइन किए और फिर यहाँ पे आने के बाद तो मैं बायो ओलम्पियाड में स्टेज 1 में राजस्थान से सिलेक्ट हो गया और स्टेज 2 में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, तो वो INBO जो होता है उसमें। और अच्छा ये बताइए प्रगतो, एलन आने से पहले कुछ प्री कंसीव नोशंस थे, कुछ धारणाएं थी आपके मन में, कुछ सोचा था? और अभी जब इतनी जर्नी रही है आपकी जो एलन की और अब सक्सेस भी आपने पा ली है, तो अभी कैसा लग रहा है, अभी क्या मानते हैं आप एलन को लेकर, अभी क्या सोच है? मतलब 10th के पहले मैं तो पूरा ब्लैंक था एलन को लेकर कि मतलब कभी एसोसिएट था ही नहीं मैंने। तो लेकिन मतलब वर्कशॉप करने के बाद काफ़ी पॉजिटिव सा वाइब आ गया था मेरे अंदर कि नहीं सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है जी। इसमें अगर हम फिट हो गए तो काफ़ी दूर जाएंगे, ये तो मैंने सोच के आया था। लेकिन मतलब अपने टाउन में मतलब मैं मानता हूँ हर एक टाउन में ही मतलब आपके जो क्लोज हैं वो बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, तो वो बोलते थे कि नहीं अच्छे फैकल्टीज चले गए एलन से, अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब बहुत बार सुना है हमने जी। तो हम तो मतलब एक टाइम में आने के पहले डिमोटिवेट भी हो गए थे, फिर हम गए थे एक वो अपने सीनियर के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर मैंने आके भी रियलाइज़ किया कि नहीं फैकल्टीज तो फैकल्टीज हैं लेकिन जो सिस्टम है एलन का वो मतलब इरिप्लेसेबल है, वो मतलब वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो वो तो था ही कोटा में, तो मैंने सोचा कि नहीं यार वो सिस्टम तो है एलन में, उसके साथ कोप अप कर लूंगा और हो जाएगा। तो नोशन वो ब्रेक हुआ आपका यहाँ आने के बाद में। अच्छा, अब हम ये बताइए कि अभी प्रगतो ने अपना जो टारगेट दिमाग में सोचा था, आप लोगों का भी सपना था, आपका, आपके हस्बैंड का, आपने बताया फादर भी आपके सोचते थे, फादर इन लॉ भी, उनका भी यही सपना था, तो आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से जो है प्रगतो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया नीट में, आप इसको कैसे देखती हैं? हमारे मन में था कि हाँ बेटा हो जाएगा, कोशिश करो, अगर सभी बच्चे तुम्हारे एज के ऐसे वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो जी। हम हर वक्त बच्चे के साथ रहते थे, आज भी हमारे पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है, छोटे से लेकर उनके वजह से हम कभी नहीं लिया जी। कि अगर हम एंड्रॉइड फोन मोबाइल फोन यूज करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। वो थोड़े बीच बीच में लेते थे लेकिन हम कभी नहीं लेते थे।
क्या है, ये हमारा सोच था कि अगर हम करेंगे तो वो okay. और भी ज़्यादा करेंगे जी. अगर हम नहीं लेंगे तो वो छोड़ देंगे. और ये और हम हर वक्त उनके साथ रहते हैं. आप उनके साथ रहे, आपका पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, ये सारी चीज़ें. आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, उनका राइट प्लेस पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, गाइडेंस हो, राइट गाइडेंस हो, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो पाए? नहीं जी, मतलब कोई एक फैक्टर नहीं ले जा सकता आपको. डेफिनेटली आपको ब्लेंड करना पड़ता है, सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तभी आप सक्सेस के पाथ पर जा सकते हो जी. तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मतलब सारे फैक्टर्स फेवरेबल ही थे. और मतलब मैं यही बोलूँगा कि मतलब सेल्फ एस्टीम होना काफ़ी ज़रूरी है. वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर था. मतलब वो अगर नहीं होगा तो मतलब आप मेंटली स्ट्रांग, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सेल्फ एस्टीम वो सबसे ज़रूरी फैक्टर है. कॉन्फिडेंस. हाँ, और वो इनफैक्ट वो कोटा में आकर ही बिल्ड होता है. मैं अभी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम लेकर आया था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोटा में आकर ही बिल्ड हुआ वो. और वो मतलब एकदम एग्ज़ाम के आते आते तो मतलब सॉलिड हो गया था कि हाँ हम कर देंगे. वही मतलब मुझे लगता है सबसे बच्चों को होना चाहिए. ओके. और मैम आप क्या कुछ और कहना चाहेंगी कोटा को लेकर? अब आपकी जर्नी यहाँ पे एक और जर्नी शुरू होने वाली, हम नहीं कहेंगे यहाँ पे एंड हो चुकी है, एक और खूबसूरत जर्नी आपकी बेटी की शुरू होने वाली है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी अंत में? हम ये बोलना चाहते हैं पेरेंट को हर वक्त बच्चे को साथ रहना है और पॉजिटिव एनर्जी लेकर कोटा में आना चाहिए. बहुत सारे चीज़ है, बहुत हमारे जो आसपास में रहते हैं सभी एक जैसे नहीं हैं. कोई हमें डीमोटिवेटेड करेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई पॉजिटिव बोलेगा, लेकिन जो हमारे मन के सोच है कि कोटा में सब कुछ अच्छे है और अच्छे होगा, और हमने खुद रियलाइज़ किया कोटा में भगवान है, और अगर हम मन में ये सोच लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में जो आएगा सब कुछ अच्छा होगा. और कोटा पूरा हमारा ज़िंदगी और हमारे बेटा का ज़िंदगी पूरा बदल दिया, क्योंकि हम आने से पहले सोचा जो था उनसे भी बहुत अच्छे हैं. बोलने का कोई भाषा नहीं है हमको कि कितना अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, फैकल्टीज लोग सब कुछ अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं. ओके. प्रभु तो एक आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में भी हमने बोला कि मिनी इंडिया कहते हैं कोटा को, और डेफिनेटली पूरे अक्रॉस द इंडिया बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, कई पेरेंट्स के साथ, कई पेरेंट्स के बिना, खुद हॉस्टल्स में अकेले रह रहे हैं. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए कोटा को, आप किस नज़र से आपने देखा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी कोटा के बारे में एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ आए थे और जो आपकी जर्नी रही? जी, कोटा में आने के पीछे एक प्राइम फैक्टर तो मेरा यही था कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, वो आप इंडिया में कहीं पर चले जाओ आपको कहीं मिलने नहीं वाला. जो मतलब आप सुबह होकर बैल्कनी में जाते हैं तो इतने मतलब एक हर तरफ ही एक स्टडी का जो एनवायरनमेंट है वो आपको परसुएड करता है कि आपको राइट डायरेक्शन में वो मतलब वो खुद की पावर ही है वो कि आपको राइट डायरेक्शन में ले जा सके वो. और ये मतलब ये कोटा की आपको हर चीज़ एक जगह पे मिल रही है. आपको डाउट में जाना हो, आपको क्लासेस में जाना हो, आपको किसी भी मेंटल वेलबींग में जाना हो, काउंसलिंग भी इनफैक्ट होता है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिला जुला के मतलब एक ऐसा मतलब एनवायरनमेंट होता है. तो वो मुझे इसी वजह से मैं आया था क्योंकि मेरा होम टाउन का एकदम एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं था फेवरेबल नहीं था वो. मतलब मैं तो सोचता हूँ किसी भी होम टाउन में नहीं होगा, क्योंकि कोटा तो इतने 35 साल से इसी के लिए फेमस है जी, इतने सारे बच्चे आते भी हैं. तो वो जो एनवायरनमेंट है कोटा का, वो मैं सोचता हूँ कि वही सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है. फिर एलर्ट का सिस्टम तो है ही जी. तो मतलब यही कि हर एक स्टूडेंट को ऑफलाइन आके ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि मतलब कोटा की जो एनवायरनमेंट है वो एक बार जरूर जिंदगी में एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट तो करना ही चाहिए. डेफिनेटली के सिस्टम. ओके. और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मम्मी से हमने ऑलरेडी मैसेज लिया पेरेंट्स को लेके जो यहाँ आने वाले हैं या जिनके बच्चे आने वाले हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
बिलीव इन योरसेल्फ और बिलीव इन कोटा, तो मैं जो हमारे साथ हुआ था वो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो कि कोई डिमोटिवेट कर दे हम जी। फिर हमें लेट भी हो गया था एक दो महीने, तो वो मैं कोटा को बिलीव करो और मतलब आ जाओ यहाँ पे, यू आर इन राइट हैंड्स, तो आप पेरेंट्स रहे ना रहे यहाँ पे फैकल्टीज आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन अपने हैं, सारे अपने हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो बिलीव करो कि यू आर इन राइट हैंड्स, यू आर इन राइट सिस्टम, वो आपको यहाँ से मतलब कहाँ तक ले जाएंगे आपको पता भी नहीं होगा, और वो मतलब एकदम टेंशन फ्री होकर कोटा इसी के लिए ही फेमस है, तो ये करना आता है एलन को, कोटा को ये करना आता है, बच्चों में जो होता है कैलिबर वो उसको निखारना उसको आता है, तो ये मैं बोलूँगा कि एकदम बिंदास आओ और एकदम सब अच्छा ही होगा, ये कोटा में सब पॉजिटिव वाइब्स। ओके प्रगतो, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की जो साथ में जर्नी रही है, प्रगतो की जो जर्नी रही है एलन के साथ में, और आपका जो अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, वो सब चीज़ें हमसे शेयर करने के लिए, स्ट्रेटजी प्रेपरेशन कैसे किया, ये सब शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्रगतो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।